उत्तर प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध पर नियंत्रण में लाख दावे करती हो, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। हत्याएं हो या बलात्कार, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण बलिया में नाबालिग बच्चे का शव देखने को मिला है। बता दें कि बलिया जनपद के सहतवार थाना क्षेत्र के अंतरडिया गांव के रहने वाले मुन्ना वर्मा के बेटे शुभम वर्मा का है, जिसकी उम्र 5 वर्ष है। राकेश ने शुभम के घर से महज 500 मीटर की दूरी पर मिठाई खिलाने के बहाने ले जाकर शुभम के सर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे मौके पर ही 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। सहतवार क्षेत्र में एक छोटा बच्चा है, करीब 5 वर्ष उसकी उम्र है, उसकी हत्या हुई है। उसी का पड़ोसी जो है उसने हत्या की है, और इसका मृतक का कहना यह है कि उसने हत्या इसलिए की है कि मृतक का जो पिता था वो उस पे उसके व्यक्तिगत जीवन को लेकर आरोप लगाता था, उसी रंजिश में आके उसने हत्या की है। हाँ, आरोपी कल ही रात में ही गिरफ्तार हो गया। तुम किए हो ना? सही बताओ। जब किए तो डर नहीं लगा? सही बताओ। जब आप किए तो डर नहीं लगा? लगा। तो फिर क्यों किए? किस चीज से मारे हो? सही बताओ। किसी से मारे हो आप? कुल्हाड़ी से। हैं? कुल्हाड़ी से। कब मारे हो? कब? 9 बजे करीब। 2 बजे? 9 बजे, 9-10 बजे। कहाँ से लेकर आए? उसके द्वार पे। क्या कहकर लेकर आए? क्या कहकर? ये नहीं लेना था। बलिया से संजय तिवारी, JP News के लिए।